देखा होगा हमने अपना बेडरूम यहाँ से अभी यहाँ शिफ्ट कर दिया क्योंकि सनी को ना ये वाला रूम ज्यादा पसंद है। और वैसे भी हमें एक बेडरूम रेडी करना था क्योंकि सनी के मम्मी पापा आएंगे तो फिर दो बेडरूम होना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं। सिंपली अभी ज्यादा कुछ नहीं किया, आइए। तो ये बेड हम जब यहाँ नहीं थे तो हमने ना फोन पे ऑर्डर दे के बनवा लिया है। सिंपल रखा है, बेसिक रखा है, तो ये कलर का बैग बनवाया था जो इतना गंदा भी नहीं दिखेगा और सब में अच्छा रहेगा। ये वाला प्लान पहले से रखा था, इसको इधर शिफ्ट कर दिया है। ये लाइट ना भी हमने ऐसे टेम्पररी लगवा ली, इसको भी हम अच्छे से लगवा लेंगे अमेजोन से कुछ अच्छी सी ऑर्डर करके। ये बेड वाला एरिया हो गया, इसे नॉर्मल से कुशन रखेंगे क्योंकि सनी को ज्यादा ताम झाम वाला पसंद नहीं है। और ये हमने किया है वो है ये झूला, क्योंकि मुझे बैल्कनी में नहीं रखना था। बैल्कनी में रखते ना तो बहुत सारे सबके फ्लैट्स हैं तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है अनकंफर्टेबल सा, तो मुझे झूले में बैठना था। बैल्कनी में हम रखेंगे लेकिन ज्यादातर मुझे अंदर रह के झूला झूलना पसंद है तो हमने ये ले लिया। अच्छा, तो ये झूले में जो ये रंग बिरंगी तकिया है ना ये मुझे थोड़ी कम अच्छी लग रही है लेकिन अभी के लिए ऐसे ही हमने रख दिया है, ये उसी में लग गया है, हम बाद में चेंज करा लेंगे। ये लैम्प भी वैसे ही बस हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया और ये मिरर को यहाँ शिफ्ट कर दिया ताकि बेड पे बैठ के अगर हमें कुछ स्टोरीज बनानी है या इस तरह से फोटो शूट करना है कुछ भी तो हम कर सकते हैं। और ये है, और बाहर का तो आपको पता ही, अभी सोसाइटी में ना काम चल रहा है इसलिए सब कुछ इस तरह गंदा सा है, तो बाद में हम बैल्कनी को है जो वो डेकोरेट करेंगे। बाकी ये है हमारा रूम का लुक, ये सब यहाँ पे अल्लाह की चीज है। अभी कुछ कुछ इसमें अच्छे से हमें डेकोरेट करना है, अभी टेम्पररी ही इस तरह से कर लिया, उम्मीद करते कि आपको अच्छा लगा होगा। ये तो तुम दिखाना भूल गई, क्या कुशन हमने न्यू खरीदे हैं, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। इसका प्राइस भी आपको बता देते ताकि आपको कभी लेना है तो अंदाजा मिले। मुंबई में ये हमें अभी यहाँ पे मिला 18,000 का ना, इसलिए चाहिए था ऐसा वाला जब ऐसे पूरा झूला होता है ऐसे नहीं। काफी लोगों ने देखा, जब हमें मिल जाएगा तो ये वाला हम बाहर शिफ्ट कर देंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका स्वागत है, हेलो हेलो। हाय फ्रेंड्स, तो जैसे आप सबको पता है कि सभी मत चलाओ, वो डिस्टर्ब करता है आप सबको पता है। अरे यार प्लीज मुझे बोल लेने दो। आप सबको पता है कि बच्चे लोग ना क्या कर रहे हैं, आप सबने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भाई के ब्लॉग में कि भाई का बर्थडे आ रहा है और उसका ये लोग काउंटडाउन चला रहे थे। मतलब इतने दिनों से ये लोग वन डे टू गो जो चलता है ना वो सब कर रहे थे। अब आज मैं आ गई हूँ तो ये लोग कह रहे हैं शालूपी आप भी हमारे साथ हो जाओ, तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं मुझे एकदम से आज ही मैं तो समझ नहीं आ रहा है, तो हमने कहा चलो कुछ चुटपुट वाला हम भी अपनी तरफ से कर लेते हैं। तो जो मेरा आइडिया है वो अभी मैं इनको बताऊंगी। देखो अभी बाकी बर्थडे जो गिफ्ट है वो तो फिर हम इंशाल्लाह भाई को देंगे, आज हम कहीं जा भी नहीं पाए थे तो मुझे लगता है जैसे वो काम करते हैं शूट पे, बहुत ज्यादा आजकल गर्मी पड़ती है, ये वाला उनको गिफ्ट देना चाहिए। ये वाला है जो चार्ज से चलेगा, देखो खराब भी नहीं दे सकता, इसी की हवा आ रही है, पूरी नींद आ जाएगी। अरे करंट ना लग जाए पंखे से, ऐसा तो ना कभी चार्ज नहीं कर पाते, तो ये वो वाला है सिंपल वाला, ये ऐसे ऐसे दबाओ और हवा ले लो, तो ये बहुत ही अच्छा लगा था। और ये चार्ट पेपर हम क्यों लाए ये आपको अभी आगे पता चलेगा। आज का सरप्राइज ये है, मैं और सनी है हम उसमें ये लिख के देंगे कि आज की सरप्राइज हम है क्योंकि हम आपके बर्थडे के लिए आए हैं। सही बात, इस तरीके से टोपी लगे सनी नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे। तो आज का सरप्राइज ये है, उसमें हम लिखेंगे बिकॉज वी आर हेयर फॉर योर बर्थडे। फ्रेंड्स हम भाई के बर्थडे के लिए स्पेशली आए हैं, इसलिए हमने अपना कश्मीर का ट्रिप जो है वो थोड़ा शॉर्ट किया कि भाई का बर्थडे तो हम नहीं मिस कर सकते इंशाल्लाह। तो तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। लड़ाई हो गई, एक सेकंड अभी फैसला हो जाएगा, टॉस कर लेंगे। अम्मी लड़ाई कर रहे हैं आपस में ये दोनों, जानती हूँ रेड मेरा फेवरेट कलर है, लेकिन सर भी आते वो कह रही है लाल टोपी मैं लूंगी, वो कह रही है लाल टोपी मैं लूंगी। काम करते टॉस कर लेते, जिसके साइड पे आए जिसकी किस्मत, कुछ नहीं हो सकता जिसकी किस्मत। सारा कौन सा मान रही लाल लाल तो मेरा फेवरेट है, जानती हो तुम। कपड़े भी बिग बॉस चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए सब शांत होके एकदम ये सामने वाले सोफे पे बैठ जाए। मानना पड़ता है बिग बॉस का, बिग बॉस का ऑर्डर आपको सुनाई नहीं दे रहा। बिग बॉस ने कहा है कि मुंह पे उंगली लगा के बिल्कुल चुपचाप बैठ जाए। बिग बॉस के अगले आदेश तक कोई भी चूजे चाली करेगा। ठीक है। बिग बॉस अपने असिस्टेंट को बुलाना चाहते हैं। बिग बॉस ना अपने वो जो साइड में नहीं होते असिस्टेंट, उनसे राय मशवरा ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए। टॉस करा दे। ठीक है,
तुम वो बीरबल के जो थे ना बिल्कुल खास मेरे को एक राजा का वो था ना जो उसको बहुत अच्छी राय दिया करता था बीरबल तुम बीरबल अकबर हो गया देख लेंगे वो सामने ही देख लेंगे ना हम उसको जुगाड़ कर देंगे शूट पे ना भाई को गर्मी लगेगी तो ये पंखा अच्छा है ना दिखने का है बहुत अच्छी हवा दे रहा है और ये चार्ज करना है और अगर खुदा ना खास्ता कभी चार्ज नहीं कर पाओ अम्मी चलाओ चलाओ नीचे आपके लिए भी एक ला दूंगी अरे वाह भाई बड़ी अच्छी चीज